परिक्रमा अपनी पूरी हो चुकी है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, गिरिराज जी महाराज आ चुके हैं अपने सामने और टाइम देखिए 12:26 हो चुके हैं। तो दोस्तों कुछ ज़्यादा मतलब डिस्टेंस नहीं था, 10 किलोमीटर के अंदर ही ये परिक्रमा हो गई है। शायद इसमें 2-3 परिक्रमा और होती है, छोटी परिक्रमा बड़ी परिक्रमा। तो हमने बड़ी वाली परिक्रमा की थी जो कि 10 किलोमीटर की है और ये आ गए हम उसी जगह पे। ये अपन आ गए हैं राधा रानी भोजनालय पे। तो भाई अपना खाना आ चुका है, यह दाल तड़का, अमूल का बटर अपन ने अलग से लिया है और ये रोटी तंदूरी सैलेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब और खाना खा के आपसे बात करते हैं। चलिए बाय। तो वह अपना लंच तो हो गया। यहाँ से आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आते हो तो यहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग भी है गोवर्धन के अंदर। तो भाई अपन बैठ चुके हैं बस में और अभी फुल भरी पड़ी है बस। तो यार अपन भी खड़े हैं, अपने को भी सीट नहीं मिली है। तो भाई अपन आ गए हैं मथुरा के अंदर और अभी अपने को चलना है अपने होटल, क्योंकि वहाँ से अपने को बैग लेना है और उसके बाद अपने को जाना है बस स्टैंड पे मथुरा के। वहाँ से देखते हैं, ट्राई करेंगे सबसे पहले कि जयपुर तक की बस मिल जाए डायरेक्टली, और वरना हम भरतपुर जाएंगे सबसे पहले और भरतपुर से 3:30 की एक ट्रेन है तो अपन देखेंगे उसमें चलने की। बट अभी तो टाइम हो रहा है 1:48, तो 2 तक अपन अपने होटल पहुंच जाएंगे। अभी अपन आ गए हैं मथुरा और मथुरा से अभी जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ और चलिए चलते हैं। 20 में अपनी गाड़ी है भरतपुर के लिए, फिर भरतपुर से अपनी जो ट्रेन है वो है 3:30 पे, यानी कि 1 बाद। तो देखते हैं रेलवे स्टेशन, तो 5 में पहुंचेंगे। ऐसे 3 किलोमीटर का सफ़र है भाई। मथुरा जंक्शन पर हम आ गए हैं और इसका जो स्टेशन है थोड़ा सा ऊपर चल के, मतलब टिकट वगैरह यहाँ। तो भाई बहुत लंबा है यार अंदर जाने का रास्ता। अपनी जो गाड़ी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी, तो ये मालगाड़ी यहाँ से हटेगी और फिर अपन इधर से जाएंगे। लगातार कलिंग उत्कल एक्सप्रेस पूरी सहयोग नगरी ऋषिकेश तक जाती है ये गाड़ी। और दोस्तों हमारी गाड़ी का नंबर है 12060 कोटा जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो दोस्तों जिस गाड़ी से अपन निकलने वाले हैं वो आ रही है हजरत निजामुद्दीन से और जाएगी कोटा को सवाई माधोपुर होते हुए। तो अपने को उतरना है भरतपुर, तो वेट कर रहे हैं। गाड़ी का समय तो वैसे हो चुका है 2:25, परंतु अभी मालगाड़ी लगी हुई है यहाँ पर, तो जब तक ये क्लियरेंस नहीं देगी तब तक वो गाड़ी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर नहीं लगेगी। दोस्तों जो गाड़ी का है शेड्यूल आज थोड़ा चेंज हो गया है, तो आज वो गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ना आके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी, तो इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी वो गाड़ी। तो दोस्तों हमारी गाड़ी आ चुकी है, सामने आपको दिख रहा होगा। वही मथुरा से निकल चुकी है अपनी गाड़ी। तो दोस्तों जनशताब्दी का मैं आपको कोच दिखा देता हूँ, 2S जो ऐसा दिखता है।
दोस्तों आ गए हैं अपन भरतपुर जंक्शन पे। अपन भरतपुर जंक्शन और अपनी गाड़ी है 3:30 पे, तो अपने को जाना पड़ेगा काउंटर पे टिकट लेने के लिए। चलते हैं।